हमने जब थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी, इन द स्टार्टिंग पॉइंट हमने ये बताया था कि जो आपने थर्ड यूनिट है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पोर्शन है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्लूइड मैकेनिक्स से इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्लूइड, एंड दूसरा पोर्शन जो है वो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। इन इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्लूइड आपको क्या पढ़ना था कि वॉट इज फ्लूइड, वॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो टेक प्लेस, एंड द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में पढ़नी थी। तो इतना पोर्शन हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं, आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड भी हो गया है, फ्लूइड की डेफिनेशंस भी हो गई हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, और फ्लूइड के क्लासिफिकेशन या उसका फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। इतने में किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है, तो अब जो आपका सेकंड पार्ट होता है आपके फ्लूइड का वो होता है हाइड्रो पावर प्लांट। दैट वाज हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो पावर प्लांट से क्या चीज़ समझ में आती है, क्या समझ में आता है हाइड्रो पावर प्लांट से? हाइड्रो पावर प्लांट एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम वाटर की पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी को फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी में, देन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं। अगर सिंपली टर्म्स में हम बात करते हैं तो वो जगह जहाँ पर हम वाटर से मिलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और कोई भी कन्वर्जन डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता, तो हम बीच में क्या लगाते हैं, एक मैकेनिकल डिवाइस लगाते हैं जो वाटर की एनर्जी को पहले मैकेनिकली कन्वर्ट करता है और फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो वो प्लांट या वो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या कहलाता है आपका? हाइड्रो पावर प्लांट। बात समझ में आई? यस मैम। Yes, कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, इन विच वी कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ अ वाटर इनटू द मैकेनिकल एनर्जी देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको कन्वर्जन के लिए जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट बनाया जाता है, लगाया जाता है, जो सेटअप जनरेट किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका? हाइड्रो पावर प्लांट कहलाता है। अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड होती है वो 30% आपके हाइड्रो पावर प्लांट से फुलफिल होती है। जो हम कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसका 30% आपका किससे प्रोड्यूस होता है? आपके हाइड्रो पावर प्लांट से प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, वाटर की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वाटर के पास दो चीज़ें होती हैं। वाटर की स्टडी हम कैसे कब करते हैं? एक आपका स्टडी स्टेट कंडीशन होता है और एक अनस्टडी स्टेट कंडीशन होता है। मतलब एक आपका स्टैटिक कंडीशन है और एक आपकी डायनेमिक कंडीशन है। स्टैटिक कंडीशन जहाँ पे वाटर स्टेशनरी, इट मीन्स इट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। जब वाटर को कहीं जगह पे स्टोर किया जाएगा तो वो स्टोर वाटर कैसी एनर्जी के साथ होगा? पोटेंशियल एनर्जी के साथ होगा, क्योंकि पार्टिकल आपके पर मूव नहीं कर रहे हैं। तो वो आपकी एनर्जी कौन सी हुई? पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस वाटर के पास आपके दो टाइप की एनर्जी होती है। अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो डायनेमिक कंडीशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है। इट मींस वाटर के पास कौन कौन सी एनर्जी हुई? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दो एनर्जीज को, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि वाटर के फोर्स से, काइनेटिक एनर्जी से कोई चीज़ मूव करे, क्योंकि वो मैकेनिकल मूवमेंट क्या कहलाता है? फोर्स इंटू मूवमेंट या फोर्स इंटू वर्क डन। वर्क डन क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो वाटर ने अपनी एनर्जी दी टर्बाइंस के ऊपर या पावर प्लांट के अंदर, तो उस काइनेटिक एनर्जी से आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ जिससे आपका क्या जनरेट हुआ? मैकेनिकल वर्क डन। तो आपने क्या किया, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया? मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर उसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाइड्रो पावर प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें हम वाटर की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी में, किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन सबका कन्वर्जन होने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट चाहिए जहाँ पर आपको पोटेंशियल, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना है, फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होगा, फिर वो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में
में कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होगा, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होगा। तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है जिसके लिए आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग टाइप के डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो इन सबको जब मर्ज करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो थ्रू वाटर एंड कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है आपका, हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें हम वाटर की एनर्जी से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट समझ में आ गया? यस मैम, एक बार और बता दीजिए। हाइड्रो पावर प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें हम वाटर की एनर्जी से क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। वाटर की एनर्जी से डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है क्योंकि वाटर के पास दो एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो इन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को पहले मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले आपको वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना है, फिर उस पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करना है, फिर काइनेटिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो इन सब कन्वर्जन के लिए आपको अलग अलग अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उस पूरे अरेंजमेंट, इस पूरे सेटअप को आप क्या बोलते हो, हाइड्रो पावर प्लांट, जो क्या करता है वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पूरा का पूरा है। अब आया समझ में? अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करती हूँ तो हाइड्रो पावर प्लांट के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कैचमेंट एरिया हो गया, रिजर्वायर हो गया, डैम, प्राइम मूवर, ड्राफ्ट ट्यूब, पावर हाउस एंड इक्विपमेंट। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है? सबको डायग्राम विजिबल है ना? यस मैम। सबसे पहले आपका क्या होता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो बनाए जाते हैं डैम पे, जहाँ पर आपका वाटर या कहीं रिवर होती है, जिसके पानी को आप क्या करते हो, एक जगह पर रोक देते हो डैम के थ्रू। रोक देते हो मतलब वो फ्लोइंग कंडीशन में नहीं है, वो कौन सी कंडीशन में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी, स्टेशनरी कंडीशन, स्टेशनरी या स्टैटिक कंडीशन में आ गया। मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सबसे हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपका ये डैम। इस डैम के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को पहले एक लेवल तक स्टोर करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर होगा उसको हम उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, और फिर आगे की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि फ्लोइंग वाटर में उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वाटर को डैम के थ्रू एक जगह पर स्टोर किया। तो जहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, जहाँ पर वाटर स्टोर है स्टैटिक कंडीशन में, जहाँ पर सिर्फ वाटर के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर। क्या कहेंगे? जहाँ पे वाटर रिजर्वायर है वो क्या है, रिजर्वायर। किसके थ्रू स्टोर किया गया है, किसके थ्रू रोका गया है, वो कहलाएगा आपका डैम। डैम के थ्रू एक डैम क्या हो गया, एक ऑब्स्टिकल हो गया, जो वाटर को आगे की तरफ फ्लो होने या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने से रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो रिजर्वायर जहाँ पे वाटर स्टोर है, डैम के थ्रू हम वाटर को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं या रोक देते हैं। इतना समझ में आ गया दो पार्ट्स? Yes, ma'am. अब जब वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब वाटर आपका फ्लो करना स्टार्ट करे, पहले स्टैटिक कंडीशन में है, स्टेशनरी कंडीशन में, अब वाटर को कैसे फ्लो करवाना है, एक जगह पे फ्लो करवाना है, जिससे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक साथ अगर वाटर को ज़्यादा फ्लो करवाएंगे तो जो वाटर है वो स्प्लैश होने लगेगा, फैलने लगेगा, मतलब एक जगह पे नहीं जाएगा, वो सब जगह बिखरना शुरू हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, वाटर का जो रेशियो है वो ऐसा जाए कि जितनी भी वाटर की पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, और फिर हम उससे क्या कर सकें, मैकेनिकल वर्क डन जनरेट कर सकें। तो हम वाटर को यहाँ पर एक पैन स्टॉप के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये जो पतला सा पाइप दिख रहा है ना, ये वाला, यस मैम, ये कहलाता है पैन स्टॉक। क्या कहलाता है, पैन स्टॉक। पैन स्टॉक का मतलब क्या होगा, एक पतला सा पाइप जिसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा, लेकिन लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको कैसा रखा गया, इंक्लाइंड सरफेस पे रखा गया है। अब होगा क्या, पैन स्टॉक का एक पोर्शन कहाँ पर है, वाटर में डूबा हुआ है, रिजर्वायर में है, और दूसरा पोर्शन कहाँ पर है, आपके टर्बाइन से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स अगर ये इंक्लाइंड सरफेस है और रिजर्वायर हमेशा पानी से या वाटर से फिलअप रहता है, तो ऑब्वियसली बात है इंक्लाइंड सरफेस होने की वजह से वाटर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। Yes, ma'am. It means आपको वाटर को रिजर्वायर से टर्बाइन तक आने के लिए किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट की जरूरत
नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हमने कैसा पेनस्टॉक लगाया, पतला सा लंबा सा पाइप जिसकी लेंथ ज्यादा है, जिसका डायमीटर कम है, जिसको एक इंक्लाइंड सरफेस पे हमने लगाया है, जिससे वाटर अपने नेचुरल फ्लो के वजह से ऊपर से नीचे की तरफ नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से अपर पोर्शन से लोअर पोर्शन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ रही yes, है ma'am. अब यहाँ yes, पे डायमीटर कम है मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगी, कम आएगी। अब जब क्वांटिटी ऑफ वाटर कम आएगी और जब वो वाटर इस पतले पाइप में ऊपर से एकदम से फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पोर्शन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से इंक्लाइन सरफेस से पतले से पाइप में जाएगा डायमीटर कम होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगेगी। Yes, yes, जब हम यहाँ की बात करते हैं इस पोर्शन की तो यहाँ पर मैक्सिमम या आप ये बोल सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी रिजर्वायर के अंदर वाटर की वो पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। किसकी मदद से कन्वर्ट हुई, टेक्निकल टर्म्स याद रखना स्टार्ट करिए ठीक है, किसके थ्रू, पेनस्टॉक के थ्रू। पेनस्टॉक क्या करता है, वाटर को डैम या रिजर्वायर से टर्बाइन से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इट वाज अ लॉन्ग पाइप विद स्मॉल डायमीटर व्हिच कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इनटू द काइनेटिक एनर्जी। इट इज प्लेस इंक्लाइंड बिटवीन द डैम एंड द रिजर्वायर टू द टर्बाइन सो दैट द फ्लो ऑफ वाटर इज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। आपको किसी भी मैकेनिकल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती वाटर को रिजर्वायर से टर्बाइन तक फ्लो करवाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस मैम, सबको क्लियर है। अब हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमें जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टोर की विद द हेल्प ऑफ डैम और रिजर्वायर। Yes, ma'am. फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ पेनस्टॉक हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा मोटिव क्या है, इस काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो होती है टर्बाइन। क्या होती है वो, टर्बाइन। अब टर्बाइन आपकी वाटर टर्बाइन भी होती है, आपकी स्टीम टर्बाइन भी होती है। बात समझ में आ रही है, वाटर टर्बाइन मतलब जिसमें वाटर फ्लो करवाएंगे, जिस स्टीम टर्बाइन मतलब जहां पर स्टीम को फ्लो करवाते हैं। तो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, वाटर को फ्लो करवा रहे हैं तो यहां पे कौन सी टर्बाइन यूज करेंगे हम, वाटर की टर्बाइन यूज करेंगे। वाटर टर्बाइन क्या करेगी, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो इस टर्बाइन को मूव करवाएगा, टर्बाइन को मूव करवाएगा इट मींस वर्क डन जनरेट होगा, वर्क डन जनरेट होगा इट मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या जनरेट होता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हम आईसी इंजन में भी पढ़ते आ रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू इस टर्बाइन को मूव करवाया तो हमारी कौन सी एनर्जी जनरेट होगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो गई। अब इस मैकेनिकल एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, जिस शॉफ्ट पर आपका टर्बाइन रोटेट होता है उसी शॉफ्ट को आगे इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जनरेटर से कनेक्ट हो जाती है। तो जनरेटर क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जहां इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होगा या जहां उसकी जरूरत होगी वहां पर उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। तो हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो कहां तक आपका बेस्ड होगा, इस मैकेनिकल टर्बाइन तक बेस्ड होगा। आगे वो कैसे स्टोर होता है, कैसे सप्लाई होता है वो आपका टास्क नहीं होगा। आपको क्या करना है, जितनी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वाटर है उसको मैक्सिममली कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में। जितना ज्यादा कन्वर्जन होगा ऑब्वियसली बात है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट की जाएगी कि उसने कितना पानी या कितना वाटर यूज किया और उसके रिस्पेक्ट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, तो वो उसकी इफिशियंसी कहलाती है। तो हम कहां से कहां तक की चीजें पढ़ेंगे, वाटर के रिजर्वायर से लेकर कहां तक की टर्बाइन तक की चीजों को हमारा मेन मोटिव होता है पढ़ना पढ़ने का। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस मैम, यस मैम।
हाइड्रो पावर प्लांट से अगर क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आता है तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट, इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ हाइड्रो पावर प्लांट. तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि वो सिस्टम या वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से लिंकअप है. अगर रिजर्वायर नहीं होगा तो डैम का कोई पर्पज़ नहीं होगा. डैम है और रिजर्वायर नहीं है तो भी हमारी एनर्जी जनरेट नहीं होगी. एक सिस्टमैटिक, एक के बाद एक चीज़ों को लगाना, एक सीक्वेंस में लगाना हमारे लिए नीड है और उसी की वजह से हमारा कन्वर्जन पॉसिबल होगा. तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ प्लांट इन विच वी कैन कन्वर्ट द काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फॉर दिस फर्स्ट वी कन्वर्ट द काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इनटू अ काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम मैकेनिज्म. डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर दिस कन्वर्जन. इतना हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जो कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ओवरऑल की 30% इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को प्रोड्यूस करता है. फिर उसके बाद हम क्या डिफाइन करते हैं, उसके पार्ट्स को डिफाइन करते हैं. पार्ट्स में मैंने क्या बताया, रिजर्वायर सबसे पहला पार्ट होता है. रिजर्वायर क्या होता है, स्टोरिंग डिवाइस होता है जहाँ पे वाटर क्या होता है आपका स्टोर्ड होता है. फिर हमने डैम बनाया जिसके थ्रू आपका वाटर क्या किया जाता है, एक जगह पर हाई अमाउंट में हाई लेवल तक स्टोर किया जाता है. हाई लेवल तक स्टोर क्यों करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आपका स्टोर होगा, जितने हाई लेवल तक स्टोर होगा, तो पेनस्टॉक के थ्रू हमारे पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी बनती है. पेनस्टॉक क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी को एक लॉन्ग बार होती है जिसका डायमीटर कम होता है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, और जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. दिस काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द टर्बाइन. टर्बाइन क्या करती है, मूवमेंट करती है थ्रू काइनेटिक एनर्जी, जिससे कि आपकी वाटर की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. फिर इसी टर्बाइन की शॉफ्ट पे आपने जनरेटर या इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा कर रखते हैं या स्टोरेज डिवाइस लगा कर रखते हैं, जिससे कि वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. देन इट इज ट्रांसफर टू दी आउटर सोर्स. इतना समझ में आ गया. अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जब हमारा वाटर यहाँ पर आ रहा है तो हम वाटर को कंज्यूम नहीं कर रहे. जैसे कि हम वाटर स्टीम की बात करते हैं तो स्टीम में तो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इसको मूव करवा रहा है. कंज्यूम हो रहा है क्या, किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. इट मींस वाटर जब इसके ऊपर आएगा तो इसको मूवमेंट कराएगा, फिर रेस्ट वाटर जब अपनी काइनेटिक एनर्जी को दे देगा तो वो क्या हो गया आपके लिए, अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी तो वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा. नीचे की तरफ क्या किया जाता है, रखा जाता है. अब नीचे की तरफ यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया जाएगा, तो ये जो ट्यूब कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ड्राफ्ट ट्यूब. क्या कहलाएगी आपकी, ड्राफ्ट ट्यूब. अब ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, जो वेस्ट वाटर होता है, जो टर्बाइन के अंदर वो पानी अपना काइनेटिक एनर्जी दे चुका होता है, अब वो आपके लिए कौन सा वाटर हो गया, वेस्ट हो गया. उस वेस्ट वाटर को टेलरेस, ये क्या कहलाएगा आपका, टेलरेस, जहाँ पे आपका नीचे की तरफ वाटर है, टेलरेस में सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है. क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए. पानी या वाटर आपका हायर लेवल से आता है, स्टोर कहाँ किया जाएगा, लोअर लेवल पर स्टोर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब. ड्राफ्ट ट्यूब जनरली इस सेक्शन की होती है, इस तरीके का होता है, ऊपर का डायमीटर कम होता है, नीचे का डायमीटर ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वाटर आ रहा है उसके पास अब कोई काइनेटिक एनर्जी होगी भी, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डायमीटर बढ़ता जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और टेल रस में आके नीचे वाले टैंक में आके वो फोर्स के साथ नहीं गिरेगा, जिसकी वजह से इसकी सरफेस पे कोई डैमेज नहीं होगा. वो इजीली नीचे वाले या लोअर टेल रस पे क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है. अगर हम यहाँ पे सिमिलर पाइप, पेनस्टॉक वाले ही पाइप को यूज़ करें तो क्या होगा कि यहाँ से फिर वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जहां पे भी वो गिरेगा वहां पे आपका क्या होगा, सरफेस को क्या करने लगेगा, धार की वजह से डैमेज करना स्टार्ट कर देगा. तो इस वजह से हम डायमीटर कैसा रखते हैं, हमेशा इंक्रीजिंग डायमीटर रखते हैं, कि पहले डायमीटर कम होगा फिर डायमीटर बड़ा होगा, सो दैट अगर यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी बची हुई भी होगी तो वो पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और टेल रेस की सरफेस को डैमेज नहीं करेगा. तो यहाँ पर आपका दूसरे पार्ट कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, एक ड्राफ्ट ट्यूब इंपॉर्टेंट हो गया, और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका,
ड्राफ्ट ट्यूब जो कि वेस्ट वाटर को लोअर लेवल पर सप्लाई करने में हेल्प करता है एंड इट स्टोर द वाटर फ्रॉम टर्बाइन एंड सप्लाई टू द टेलरेस जिसका इनिशियल डायमीटर कम होता है. लार्ज डायमीटर नीचे की तरफ होता है जो कि जिसकी वजह से अगर वाटर के पास कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो तो वो पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सो दैट द टेलरेस के सरफेस पे कोई इफेक्ट या डैमेज नहीं होता. और टेलरेस क्या होता है, टेलरेस इज अ स्टोरेज डिवाइस एट अ लोअर लेवल जिसने की वाटर जो वेस्ट वाटर है उसको स्टोर किया जाता है एंड दिस स्टोरेज वाटर इज अगेन सप्लाई टू दी अरे टेलरेस से वाटर कहाँ जाएगा, टेलरेस पे इकट्ठा करोगे तो फिर यहाँ पे एक डैम बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, टेलरेस का वाटर फिर से कहाँ सप्लाई कर देंगे, वाटर आपका कंज्यूम नहीं हो रहा. हम सिर्फ वाटर की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कन्वर्ट कर रहे, सप्लाई नहीं कर रहे कन्वर्ट कर रहे. हम वाटर को कंज्यूम ना करके वाटर के अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते. अब या तो इस वाटर को फ्लो करवा दो या फिर इस वाटर को अगेन हम यूज कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द सप्लाई सिस्टम आपका डिपेंड करता है. तो आपके मेन मेन पार्ट कौन से हो गए, फर्स्ट वन इज रिजर्वायर. रिजर्वायर देख लोगे रिजर्वायर क्या होता है. यस मैम बताते रहो जल्दी. रिजर्वायर क्या, वाटर को स्टोर करके रखता है. डैम जो वाटर को फ्लो होने से रोकता है. फ्लो होने से रोकता है. डैम स्टॉक मैम जो वाटर के बहुत स्पीड टेंशन एलर्जी को मैम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. कम डायमीटर का पाइप. हां और टरबाइन मैम जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मैम काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी. मैम यहां से मैम वो कांसेप्ट बता रहे थे वो समझ नहीं आया काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी के बाद से. वेस्ट वाटर को वेस्ट वाटर को मोटर को टेलरेस्ट में सप्लाई करती है. टेलरेस टेलरेस्ट जो वेस्ट वाटर जो एनर्जी दे चुका. क्या समझ में नहीं आया, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. यस मैम ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद का कांसेप्ट. उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए टर्बाइन का यूज करते हैं. टर्बाइन कैसे वर्क करती है वो हम आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि आपको थ्री टाइप्स की टर्बाइन पढ़नी है कि कैसे हम टर्बाइन के थ्रू काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो वो टर्बाइन में पढ़ाऊंगे तो समझ में आ जाएगा आपको. बेसिकली क्या होता है, जैसे कि पानी है आपके पास, ठीक है, आपने एक गेट रख, एक गेट है आपका, ठीक है. अगर पानी को आप मोटे पाइप को पाइप के थ्रू उस गेट को धो रहे हो, ठीक है, तो जब आपका मोटी धार होगी, मोटा जैसा पानी आ रहा था डायमीटर के अकॉर्डिंग पानी निकल रहा होगा तो गेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, आपके पाइप का हाफ बंद करते हैं, उंग फिंगर के थ्रू उसको हाफ बंद कर दो तो पानी की धार क्या हो जाती है, तेज होती है. तेज धार वाला पानी अगर गेट पे टकराता है तो गेट क्या हो जाता है आपका, खुल जाता है. खुलता है कि नहीं खुलता. इट मींस काइनेटिक एनर्जी थी वाटर के पास, वो काइनेटिक एनर्जी गेट पर गई तो गेट ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, है ना. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या जनरेट होता, मैकेनिकल वर्क डन. क्या जनरेट हुआ, मैकेनिकल वर्क डन. वही टर्बाइन का काम होता है. मैकेनिकल वर्क डन मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. अब आया समझ में. तो टर्बाइन का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो इतना ज्यादा टेंशन मत लो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि कैसे वर्क करता है. टर्बाइन कैसे वर्क करती है, टर्बाइन कितने तरीके की होती है वो हम पढ़ेंगे. और ये आप आगे चल के फ्लूइड में भी पढ़ोगे कि कैसे ब्लेड्स बनानी चाहिए, तो उसके ऊपर कैसा पानी आएगा या वाटर के कैसे स्ट्रोक करोगे ताकि उसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. फ्लूइड मैकेनिक्स एक अलग सा सब्जेक्ट है जिसमें आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टर्बाइन पढ़ना है. तो वो मैं आपको टर्बाइन में उसकी वर्किंग पूरी बताऊंगी. तो मैम ये जो पानी स्टोर है मैम उसमें तो उसका कोई मतलब नहीं, बस जो पानी आ रहा है उससे काम हो रहा है सारा. हाँ, अब इतना सारा पानी अगर टर्बाइन में आएगा तो टर्बाइन घूम पाएगी क्या, नो मैम टूट जाएगी. हाँ, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, हम पानी की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं. पानी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वाटर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ वाटर की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है.
आया समझ में इतना? और कोई डाउट है तो पूछ लो। यस मैम। मैम ये हेड क्या है? हेड का मतलब ये हाइट है, टेलरेस से इसकी हाइट। ये HF और SG बहुत सारे टर्म्स यूज होती है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना आगे चल के, अभी सिर्फ इतना पढ़ लो। ये जो हेड जो होता है वो हाइट को डिनोट करता है कि कितनी हाइट रखनी है, कैसे टेलरेस के अकॉर्डिंग। जितने ज्यादा हाइट होगी तो जितना ज्यादा ट्रेवलिंग होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तभी डैम कुछ हाइट पे बनाए जाते हैं ना, कि ताकि पानी के पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो जाए और फिर वो काइनेटिक एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में ज्यादा पावर जनरेट कर पाए, इसलिए हाइट को बनाया जाता है, हाइट बनी जाती है। ओके मैम। और कुछ? बस मैम। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। मैम क्या मैम बिना डैम के अपन मैग्नेटिक वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, स्टोरेज डिवाइस तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोइंग वाटर अगर होगा तो फ्लोइंग वाटर के पास पानी वैसे ही फ्लो करता जा रहा है बिना फ्लो के। अब फ्लोइंग वाटर है, अगर वेव्स के फॉर्म में टर्बुलेंट फ्लो है तो फिर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन जैसे नॉर्मल वाटर फ्लो कर रहा है तो इतना फोर्स ही जनरेट नहीं होगा कि टर्बाइन को वो मूव करवा पाए। टर्बाइन मूव नहीं होगी तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो आगे की प्रोसेस कैसे होगी? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि गेट पे जब आप पानी डाल रहे थे, जब पूरा डायमीटर का पाइप से पानी आ रहा था तो गेट ने मूव नहीं किया, डोर मूव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो गेट ने डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट के बिना आपका मैकेनिकल वर्क डन जनरेट होगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए पानी को कहीं ना कहीं स्टोर करना जरूरी है। यस मैम। एनीथिंग एल्स? यस नो मैम। आगे बढ़ूं? नो मैम। अब इसके पार्ट्स का डिटेलिंग तो लिख लोगे ना, ये स्लाइड्स में भेज दूंगी अभी। यस मैम। यस मैम। इसके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है ना, कर लोगे? नो मैम। नो मैम। ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे कि इसका कोई फ्यूल चार्ज नहीं है, एक बार डैम बना दिया, अब वो डैम क्या है सालों साल चलता है, सालों साल चलेगा, इट मीन्स उसका जो फ्यूल चार्ज है वो कम होगा, उसका मेंटेनेंस उतना ज्यादा नहीं होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं होगी। एक बार अरेंजमेंट होने के बाद सिर्फ आपको प्रॉपर मेंटेनेंस या प्रॉपर टाइम पर उसकी चेकिंग करते रहना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं लगेगी, फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा है तो कोई कंजप्शन चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इनिशियल सेटअप कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी? ज्यादा होती है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें बनानी है, जैसे कि सबसे पहला एक स्टोरेज डिवाइस बनानी है, डैम बनाना है, फिर पाइप्स लगाने हैं, फिर टर्बाइन खुद में एक कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होती है वो बनाना है, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वो एक सिस्टम बनाना है। तो नंबर ऑफ डिजाइन आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे बढ़ जाती है, तो इनिशियल सेटअप कॉस्ट क्या हो जाती है आपकी? ज्यादा हो जाती है। लॉन्ग टर्म में आपका जो डैम का कंस्ट्रक्शन होता है उसको लिए प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं दिया तो डैमेज होने की वजह से आपको जो नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो और ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है या हाइड्रो पावर प्लांट वहीं पर यूज किए जा सकते हैं जहाँ पर आपका वाटर लार्ज अमाउंट में स्टोर किया जा सके या जहाँ वाटर के पास बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर की जा सके। हर जगह पर, हर जगह रिवर पर आप उसको बना का स्टोर नहीं कर सकते या अप्लाई नहीं कर सकते हो। और जो कंस्ट्रक्शन चार्जेस हैं उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थोड़ा कम होता है, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। एफिशिएंसी मतलब अगर हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ, तो वो इसकी कम है, सेटअप कॉस्ट ज्यादा है, इफिशियंसी इसकी कम होती है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं आपके डिसएडवांटेज। तो इतनी चीजें आपको किसके लिए पढ़नी? इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के लिए पढ़नी होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन होती हैं। कैसे होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इनकी डिटेल हम टर्बाइन्स में पढ़ेंगे, क्योंकि एक टर्बाइन आपकी इम्पल्स टर्बाइन आपको पढ़नी है, जो दो टर्बाइन है फ्रांसिस और कपलान टर्बाइन वो आपकी रिएक्शन टर्बाइन्स हैं। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि इम्पल्स टर्बाइन क्या होती है, रिएक्शन टर्बाइन क्या होती है। तो ये जो डिफरेंस है वो मैं आपको वर्किंग में एक्सप्लेन कर दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ हेड, कि कितना हाइट ऑफ जनरेट करती हैं। तो अगर हाई हेड टर्बाइन है तो वह अबव 250 meters की होगी, मीडियम हेड टर्बाइन है तो वो 45 to 250 meters की होगी, लो हेड टर्बाइन है तो वो बिलो 45 meters की होगी। फिर अकॉर्डिंग टू द वाटर ऑफ टर्बाइन फ्लो, टेंजेंटियल फ्लो, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, मिक्स फ्लो, ये वर्किंग में आपको क्लियर हो जाएगा कि टेंजेंटियल फ्लो क्या होता है, रेडियल फ्लो क्या होगा, एक्सियल फ्लो क्या होगा। टेंजेंटियल फ्लो का मतलब टर्बाइन की टेंजेंट पे पड़े तो वो टेंजेंटियल फ्लो, रेडियल का मतलब क्या हो जाएगा वो टर्बाइन की ब्लेड पे साथ रोटेट हो तो वो रेडियल फ्लो हो जाता है, टर्बाइन की एक्सिस पे पड़े तो एक्सियल फ्लो हो जाता है, और अगर दो दो फ्लो को कंबाइन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है आपका, मिक्स फ्लो कहलाता है।
एक टर्बाइन आप पढ़ोगे टेंजेंटल फ्लो टर्बाइन और एक फ्लो टर्बाइन पढ़ोगे आप मिक्स फ्लो टर्बाइन, एक टर्बाइन पढ़ोगे आपकी रेडियल फ्लो टर्बाइन। तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे वाटर का फ्लो होता है। इतना इंट्रोडक्शन में है आपके किसके हाइड्रो पावर प्लांट के। इतने में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। नो मैम सबको सबको।